ये जो है ये सेशन को पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो बच्चे खुद को साइंस का स्टूडेंट बोलते हैं। आप में से हो ना, आप लोग सबको साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेशन? द नेम ऑफ द सेशन इज मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि डज गॉड एग्जिस्ट। ये भी एक सेशन का नाम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी तुमसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेजेस में, कि पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज के लिए एक टॉपिक का नाम बताओ, मीन्स इस पैसेज का टॉपिक का नाम क्या देंगे, लाइक वाइज, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका एक नाम जो है मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स, या फिर आप बोल सकते हो डज गॉड एग्जिस्ट, वॉट एवर, ठीक है ना। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, साइंटिफिकली देखने वाले हैं आज, वही दुनिया जिसको हम लोग आज तक एज सच नॉर्मली देखते आए हैं ना, उसी दुनिया को आज दोबारा देखेंगे, बट थोड़ा नजरिया बदल देंगे। नजर वही रहेगा, नजरिया बदल जाएगा, ठीक है ना। तो द ओवरऑल द कोर इज कि अगर हम लोग इस दुनिया को साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हैं, स्पिरिचुअली नहीं, साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हैं, तब भी हमें लगेगा कि इसको बनाने वाला कोई तो है, ठीक है ना। सो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे। हम लोग ये पूरा सेशन को जो है 5 स्टेप्स में स्प्लिट कर रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5। तो 5 स्टेप्स है, इन 5ों स्टेप्स को वे लिस्ट डाउन, नीचे में देखो, नीचे में दिख रहा है ना 5 मार्कर्स, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा ये मार्कर आगे चलता जाएगा, विल सी टू इट, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला पॉइंट में है, पहला पॉइंट है तुम्हारा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ अपने नेचर को ऑब्जर्व करने वाले। तो सबसे पहले खाली बैठने का, फोन छोड़ देने का, फोन रहेगा तो ये सब काम नहीं होने वाला तुमसे। सबसे पहले खाली बैठने का, और खाली बैठ के घर में किसी कोने में जाओ, खाली में बैठो, फोन तुम्हारे हाथ में रहना नहीं चाहिए, कोई इधर उधर का काम नहीं रहना चाहिए, कोई होमवर्क का टेंशन नहीं रहना चाहिए, बैठो। इस ये बच्चा जैसे आसान एक शांत सीरीन प्लेस में बैठा हुआ है, तुम भी जाके एक सीरीन प्लेस में शांति से बैठो, नो डिस्टर्बेंस, दोस्तों भी नहीं रहने चाहिए वहां पे, ठीक है ना। जाके बैठो और वहां पे जो है खुद से सवाल करो, ये जो संसार है इसे किसने बनाया, ठीक है ना। क्योंकि यार बनाने वाले जो है ABCDEF, यहाँ पे इसका भी मार्कर पुट कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज हम लोग जो देखते हैं ना इस प्लेनेट में बनाया गया, उसके पीछे कोई तो बनाने वाला रहता है। बताओ तो, ये 4 पेंटिंग्स में तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है। ये पेंटिंग्स ना करोड़ों में बेचा गया है, करोड़ों में, ठीक है ना। अब ये पेंटिंग देखने से तो यार मेरे को लगता है ये क्या पेंटिंग बनाया, इससे अच्छा तो हम बना देंगे, तुम्हें भी लगता होगा शायद, राइट, रेज हैंड, ठीक है ना। ये पेंटिंग फिर भी समझ में आता है, पूरा का पूरा नेचुरल पिक्चर को बनाया है इसने, ठीक है ना। ये भी एक नेचुरल पिक्चर को ड्रॉ किया है, ये भी काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल, बट ये तो मेरे को लगता है कि कोई नर्सरी का बच्चा जो घिस दिया और वो पेंट, लेकिन ये पिक्चर करोड़ों में बिका है, ठीक है। इसको बनाने वालों का नाम, ठीक है, किसी को पता नहीं यार ये पेंटिंग इतना पसंद आ गया कि वो इसके लिए करोड़ों रुपए दे बैठे, कमाल है, सीरियसली। हाँ सर, ये तो वैलिड है। तो यार ये पेंटिंग जो है ना, ये पेंटिंग कहीं से कॉपी किया गया है, ठीक है ना। द पेंटिंग्स आर बीइंग कॉपीड फ्रॉम नेचर, जो कॉपी कर दिया उसको करोड़ों रुपए का इनाम दोगे तुम, और जो नेचर जहां से कॉपी किया है उसको कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिकली बन गया ना ये सब। तुम लोग ऐसे ही घर में बैठे रहे और ऑटोमेटिकली नेचर जो है, नेचर अपना लॉज वगैरह सब बना दिया, वेरी गुड, अच्छा थॉट सर, ठीक है। इसको किसने बनाया, ठीक है ना, कहाँ गया। हाँ, ये सब जो नेचुरल ब्यूटी है, तुम बोलते हो आर्टिफिशियल ब्यूटी के पीछे जो है किसी ना किसी कोई ना कोई आर्टिस्ट है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है इसको इसको आर्टिस्ट इसका कोई आर्टिस्ट्री नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, कमाल है यार, ठीक है ना। ये एक वीडियो है, ये वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, 10 बजे मेरा क्लास है, ठीक है ना, भेज दूंगा मैं तेरे को। कौन बनाया ये सब, ये देखो, ये वीडियो मैं शेयर करूंगा, ये वीडियो प्ले करता हूँ, मजा आएगा इस वीडियो को देखने से। छोटा वीडियो था, ऐसा थोड़ी है कि 10-15 मिनट चलेगा।
ये वीडियो जो है, ये वीडियो तुम्हें ये दिखा रहा है कि ये फूल को किसी ने क्या किया पता है, कैमरा को फिक्स कर दिया और कैमरा को महीनों भर तक फिक्स रखा उन्होंने, ठीक है ना। तो ये फूल को पूरा खिलता हुआ जो है उन्होंने दिखाया है कि कैसे ये फूल जो है धीरे 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 इसका पूरा एनिमेशन बनाया उसने, ठीक है ना, कितना सुंदर तरीके से खिल रहा है। क्या ये ऑटोमेटिकली हो गया, कोई इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? हु इज द आर्टिस्ट जिसने ये डिजाइन को सोचा होगा कि इस धरती पे जो है, इस धरती पे फूल को ऐसे खिलना है? अपने कोई नहीं सोचा होगा, अपने आप हो गया, वाह वेरी गुड। पता है अपन लोग अगर एक आर्टिफिशियल फ्लावर बनाते हैं ना, क्लास 4-5 में जब हम थे ना, तो हमारी क्राफ्ट मैडम जो थी, ठीक है ना, तो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो टीचर हुआ करती थी, वो हमें बोलती थी कि तुम पेपर का रेड कलर का चार्ट पेपर यूज करके जो है फ्लावर बना के आओ। हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, ठीक है ना, घर जाते थे। और क्राफ्ट एक ऐसा चीज था जो सब्जेक्ट अपन को बहुत पसंद आता था, ठीक है। तो क्राफ्ट एक ऐसा चीज था जो मुझे बहुत पसंद आता था, पूरा एकदम चार्ट पेपर वगैरह पापा से मंगवाता था और कैंची वगैरह यूज करता था, फेविकॉल यूज करता था, और मस्त से जो है एक फ्लावर बना के लेके जाता था मैडम को बोलने के लिए, मैडम इवेल्युएशन कीजिए, देखिए इतना मेहनत से बनाया, ठीक है। बट पता है मैं जब रोज 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 फ्लावर बनाया था ना, वो रोज फ्लावर बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, ठीक है, कौन दिया? अगर हम एक रोज फ्लावर बनाने गए ना, तो अपने को बहुत मेहनत लगा। क्या क्या मेहनत लगा, क्या क्या मेहनत था? पेपर, फेविकॉल, कैंची और साथ में हमारा दिमाग, इतना मेहनत था ना रे। और तुम बोलते हो कि ये जो फ्लावर नेचुरल फ्लावर है, ये नेचुरल फ्लावर बिना किसी आईक्यू का, बिना किसी वस्तु का आर्टिफिशियल, ऐसे ही बाई चांस बन गया, इतना सुंदर सा क्रिएशन। तुम बाई चांस घर को छोड़ के जाओ तो एक बार, ठीक है ना, बाई डिफॉल्ट तुम्हारा घर बाई चांस कचड़ा होता है, ठीक है ना, एंट्रोपी में पड़े हो तुम। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी तक केमिस्ट्री क्लास 12, यू मस्ट बी लर्निंग अबाउट एंट्रोपी इन द चैप्टर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो बाई डिफॉल्ट अगर तुम नेचर को जो है अलाउ कर दोगे अपने आप काम करने के लिए, तो तुम्हारा घर वगैरह तो क्या होता है, धीरे 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 कचड़ा होता है, साफ नहीं होता, साफ करने के लिए एनर्जी डालना पड़ता है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो और इतना सुंदर सा फ्लावर बाई चांस डिजाइन हो गया, कोई नहीं डिजाइन किया, कमाल है जी, ठीक है ना। अपने को फ्लावर बनाने में कितना मेहनत लगता है, ये फ्लावर में हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर से क्या क्या ज्यादा है। ये फ्लावर डेलिकेट है, बायोलॉजिकली काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक फ्लावर का जो कुछ सीड्स वगैरह नीचे गिरता है, वो दोबारा रोज का प्लांट खड़ा कर देता है। हमारा फ्लावर नीचे गिरेगा तो प्लांट नहीं खड़ा करेगा, खुद सड़ जाएगा। फ्रैगनेंस देता है, ठीक है ना, शेप और फॉर्म सब कुछ जो है, सब कुछ उसके अंदर फीड कर रखा है किसी ने, ठीक है ना, किसने फीड किया है अपने को पता नहीं, लेकिन इतना पता है ये इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कुछ 3-4 महीने पहले मीम्स भी बना करते थे, द आर्ट द आर्टिस्ट। आई अज्यूम आपने ऐसा मीम्स देखा होगा, ये आर्ट है और ये उसके आर्टिस्ट है। रेज हैंड अगर आपने ऐसा मीम्स देखा है तो, आर्ट आर्टिस्ट वाला। बहुत बच्चे हैं, ठीक है ना, तो आर्ट आर्टिस्ट वाला आपने मीम देखा है। वैसे ही इस दुनिया को जो है, इस दुनिया को इतना ब्यूटीफुल अगर किसी ने बनाया है, तो बाई चांस थोड़ी बना होगा रे, उसके पीछे भी आर्टिस्ट होगा। कौन होगा अपने को पता नहीं, लेकिन आर्टिस्ट तो पक्का होगा, क्योंकि आर्टिस्ट्री इंप्लाइज आर्टिस्ट, गारंटी। ओके लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोग कहाँ थे, अभी हम लोग ए में थे और अब हम लोग बी में पहुंच गए। ए फॉर आर्टिस्ट, याद रखना क्लास 8 से लेके 12 तक के बच्चों, अगला एग्जाम जब भी है ना, मैं ए से एफ तक का फुल फॉर्म पूछूंगा, कॉपी में लिख लो, ए फॉर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट्री। और आर्टिस्ट्री मतलब कहीं पर भी आर्टिस्ट्री है तो उसके पीछे आर्टिस्ट पक्का मौजूद है, ठीक है। अभी बी में आए हैं हम लोग, बी में ये है बीहाइव। एक्चुअली वीडियो जो है, वीडियो का इतना अच्छा रिजोल्यूशन नहीं है, तुम भावनाओं को समझो, वीडियो में क्या रखा है। These are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean up, tend the queen, and feed the larvae. They
even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. चलो ऑडियो ठीक ठाक था, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? टेम्पररली आई विल गिव यू द परमिशन टू अनम्यूट. नहीं सर, अच्छा से नहीं सुनाई दे रहा, समझ में नहीं सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर. अच्छा से नहीं सुनाई दिया सर. इसमें हनी बी के बारे में बताया है कि हनी बी पैदा होने के बाद कहीं ट्यूशन नहीं जाता है. तुम लोग आए ना ट्यूशन? हनी भी पैदा होने के बाद कहीं ट्यूशन नहीं जाता, उसको मालूम है उसको क्या करना है, ठीक है ना? पूरा बी हाइव में एक ही रेड कलर्ड बी होती है, बाकी सब वर्कर बीज होते हैं, और उनको पता है कि अपने को कहां से पॉलन उठाना है, कहां पे रखना है. बी हाइव जो रहता है वो हेक्सागनल शेप रहता है, क्योंकि हेक्सागनल शेप आज साइंटिस्ट कंक्लूड किए हैं कि हेक्सागनल शेप जो है किसी भी स्ट्रक्चर को जो है रिजिडिटी देता है, बहुत स्ट्रांग बनाता है. कौन सिखाया उसको? उसने कहीं इंजीनियरिंग किया था क्या? तुम लोग इंजीनियरिंग करने जाओगे? ये बी पैदा होते साथ इंजीनियरिंग करने गया? कौन सिखाया इसको कि हेक्सागनल शेप इतना ज्यादा स्ट्रक्चर को रिजिड करता है? और उसके पॉलन कहां से उठाना है, कौन सा पॉलन अच्छा क्वालिटी का है, कौन सा खराब क्वालिटी का है, पॉलन किसको बोलते हैं? वो तो अपने को भी अगर पॉलन उठाने को बोला जाएगा, या जो जो ये बी उठा के लाते हैं तो हम भी नहीं उठा पाएंगे बिना किसी इंफॉर्मेशन के. नेट में देखेंगे किसको उठाना है, फिर चेक करेंगे ये लोग जो है, ये लोग को पता है क्या उठाना है. सीधा उठा के लाता है अपना ये बीहाइव बनाता है, बीहाइव में वो नेक्टर को डालता है, हनी को डालता है, हनी को डालने के बाद उसको कवर करता है, और गर्मी सीजन में जो है, गर्मी सीजन में गर्म हो जाएगा बीहाइव, तो अपने विंग से जो है उसको फैन करता है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे. कौन सिखाया? तुम सिखाया? लेट्स मूव अहेड. ये एक दूसरा वीडियो है, ये वीडियो मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, अननेसेसरली बहुत सा ज्यादा समय चला जाएगा मेरा, 10 बजे क्लास है, अदरवाइज मैं दिखा देता, ठीक है? ये तुमको क्या दिख रहा है? टर्माइट्स का घर. टर्माइट समझते हो? एंट्स का बड़ा वर्जन, वो जो चीटी होता है ना, चीटी का बड़ा वर्जन ये, ठीक है ना? टर्माइट्स. टर्माइट्स का घर समर में भी, जब समर में तुम्हारा घर नरक जैसा गर्म हो जाता है और हमें एसी मेंटेन, एसी लगाना पड़ता है ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो पीक समर में ये टर्माइट्स का घर जो पूरा का पूरा सूर्य की किरणों से एक्सपोज रहता है, अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है. बुर्ज खलीफा का भी जो डिजाइन है ना, उस डिजाइन के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो है टर्माइट्स का घर. उसका स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज ना हो, ठीक है ना? कौन सिखाया इसको इस तरीके से घर बनाना? कहीं इंजीनियरिंग गया था? ट्यूशन करने गया था? तुम लोग ट्यूशन आने के बाद भी इतना अच्छे से नहीं कर पाते हो, ये लोग पैदा होते साथ बनाना सीख गया. ये एक मस्त वीडियो है, ये स्पाइडर का वीडियो है, ठीक है ना? और इसमें ना एक चीज क्या करता है, ये स्पाइडर ये वीडियो में इंसान के साथ स्पाइडर को कंपेयर करता है कि अगर एक स्पाइडर का साइज जो है इंसान के बराबर हो जाए तो फिर वो कितना बड़ा कॉबवेब बना सकता है, ठीक है ना? चलो ये वीडियो को हम लोग देखते हैं. Mathematicians. Compared to the rock silence, spiders have very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters. तो फिर बोलोगे कि सर ऑनलाइन चल रहा है, मेरे को ऑडियो नहीं सुनाई दिया, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो क्या बोल रहा है वीडियो में. ये वीडियो में बोलता है कि अगर एक स्पाइडर का साइज इंसान के बराबर का होगा, वो रेशियो मेंटेन कर रहा है, अगर एक स्पाइडर का साइज इंसान के बराबर होगा तो वो कितना बड़ा कॉबवेब बनाने के लिए कैपेबल है? इतना बड़ा जो 50-story skyscraper, इतना बड़ा बिल्डिंग के बराबर होगा. ये अकेला बंदा बना देता है. इस धरती पे कौन ऐसा अकेला बंदा है जो 50-story बिल्डिंग अकेले खड़ा किया हो? आप में से कोई है क्या? ठीक है. और इनफैक्ट आगे देखो, आगे सुनो. यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला, शायद तुम्हें ऑडियो में क्लियर नहीं होगा. स्पाइडर का जो वेब होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड है.
थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, सर क्या बोल रहे हैं सर, आयरन की जगह आप स्पाइडर का वेब को स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल बोलते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये जो वेब होता है अगर आप आयरन को भी इतना पतला कर दोगे तो आयरन का स्ट्रेंथ उतना नहीं बचेगा जितना इन वेब्स का स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। वेब्स बहुत पतला होता है, कॉबवेब जो होता है जो स्पाइडर वेब्स बनाता है, ये वेब्स बहुत पतला होता है। इतना पतला अगर आप स्टील को भी रखोगे तो उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं रहेगा जितना स्पाइडर का वेब्स का स्ट्रेंथ है। कौन सा जगह में मैन्युफैक्चर हुआ था? राउरकेला स्टील प्लांट में मैन्युफैक्चर हुआ। इसके पेट के अंदर, इसके शरीर के अंदर मैन्युफैक्चर होता है कॉबवेब, जिसको फिर वो निकाल के जो है इस तरीके से जाल बुनता है, ठीक है ना। नो स्टील प्लांट रिक्वायर्ड। This task demands at least some calculations essential to constructing the building. अगर एक इंसान भी इस चीज को करने जाएगा ना, तो उसको इस चीज को करने से पहले बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन का वो ये चीज नहीं कर सकता है। और मजे की बात है कि स्पाइडर क्लास 1 से 10 तक मैथ ट्यूशन नहीं गया था, ठीक है, पैदा होते, और उसके उसके पप्पा ने भी नहीं पढ़ाया। पप्पा पैदा किया, पप्पा पैदा करने के बाद बोला, ए मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तुमको ऐसे करके कॉबवेब बनाना है। कौन सिखाया स्पाइडर को कॉबवेब बनाना? तू बना सकता है? कोई आर्किटेक्चर जब तक बहुत ज्यादा आरएनडी नहीं करेगा ना, इस स्ट्रक्चर का स्ट्रांगनेस के लिए वो कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएगा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। स्पाइडर ये कभी इतना बड़ा आर्किटेक्चर को पहले से ब्रेन में डिजाइन नहीं करता, मैं इस शेप का बनाऊंगा उसके बाद जाके बनाना शुरू करूंगा, नहीं, इट नेवर हैपेंस। उसको पता है कि कैसे बनाना है, बट उसे सिखाया किसने? तुमने सिखाया? तुम्हारे पास आते हैं कि स्पाइडर ट्यूशन पढ़ने के लिए? ये कुकून का है, कुकून का स्टोरी है, एक बहुत सुंदर स्टोरी है, ये अभी नहीं बता सकता मैं, आई विल कट इट शॉर्ट। और ये भी है कि जब बाढ़ वगैरह आता है ना, तो ये जो जानवर है इनको पता है कि पानी को जो है पानी को कैसे रोकना है, ठीक है ना। इन्होंने भी कभी ट्यूशन नहीं लिया, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट इनको पता है कि कैसे रोकना है। इनके भेजे में आईक्यू किसने डाला? हाँ, हमारे पास ज्यादा आईक्यू है, इनके पास लिमिटेड आईक्यू है, किसने डाला? तुमने सिखाया? इतना प्रॉपर तरीके से उसने अपना बीहाइव को ऑर्गेनाइज किया, इसने अपना टर्माइट का घर को ऑर्गेनाइज किया, इसने कॉबवेब को ऑर्गेनाइज किया, इतना अच्छे तरीके से अगर ऑर्गेनाइज किया है तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड चीज, चाहे वो बीहाइव हो, ये हो, कॉबवेब हो, या जो भी हो, ऑटोमेटिकली नहीं बनता, कोई ऑर्गेनाइज करता है। बट किसने उसके माइंड में फीड किया? ओ, क्या मस्तकार है सर, किसी ने तो बनाया ना, टाटा ह्यूंडई किसी ने तो बनाया होगा, फियाट, माय गॉड, किसी ने तो इकट्ठा किया ना, किसी ने तो लाके रखा होगा। कीबोर्ड लगा देते हैं, कंप्यूटर लगा देते हैं, अंदर में चिप्स ये कंपोनेंट्स लगा देते हैं, साइड में माउस रख देते हैं, मस्त बन रहा है, अपने आप बन जाता है क्या ये? हम सोए हुए थे, आंख खुला, मेरे घर में एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, पापा से पूछा आपने गिफ्ट किया क्या? नहीं, पापा बोले हम तो गिफ्ट नहीं किया, अपने आप आ गया। आप बोले क्यों मजाक कर रहे हैं पापा, ठीक है, कोई तो रेस्पॉन्सिबल है ना इसको बनाने के लिए, फोकट में बनता है। ओह माय गॉड, आर्किटेक्चुरल मार्वल्स, अपने आप। एक बार जो है, एक बार धरती में क्या हुआ, एक बार धरती में एक मेटराइट गिरा और वो जो है धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद हमें मालूम चला कि आईफिल टावर बन गया। वाह, व्हाट ए थ्योरी, मस्त लगा, कल से साइंस बुक में पब्लिश, ठीक है। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, कोई तो बनाया ना ये स्टैचू, किसी ने तो काटा ना, तराशा ना, ठीक है ना, और इतना बड़ा यूनिवर्स ऑटोमेटिकली बन गया। वाह छोटे, वाह, व्हाट एन आईक्यू, अपना भेजा का सही इस्तेमाल किया बाबू तुमने, साइंटिस्ट हो तुम ना, इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स।
ये यूनिवर्स किससे आया है छोटे? बिग बैंग से आया है। साइंस बुक ने पढ़ाया ना, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, मतलब वो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर बनाने के लिए कोई आदमी चाहिए, घड़ी बनाने के लिए आदमी चाहिए, कार बनाने के लिए आदमी चाहिए, किसी का आईक्यू चाहिए, किसी का मेहनत चाहिए, लेकिन यूनिवर्स बनाने के लिए कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली। वाह क्या भेजा है भाई। इसके पीछे भी कोई क्रिएटर होना चाहिए, साइंटिफिकली लॉजिकली अगर बात करूं तो कोई तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस कार्यक्रम के, इस कार्य के लिए। ठीक है ना, कहीं पर भी क्रिएशन है ना तो जी क्रिएटर है पीछे, बिना क्रिएटर का क्रिएशन नहीं हो सकता। एक एग्जांपल दे दो, बिना क्रिएटर का क्रिएशन हो गया, बाय चांस हो गया, नहीं है, एग्जांपल ही नहीं है। ये पता है ये क्या है? ये सीड है, सीड। ठीक है ना, किसका सीड है? एक पेड़ का सीड है। पेड़ का नाम याद है सर? हाँ याद है, सिकोया पेड़ का नाम है। ठीक है, ये पेड़ का खासियत क्या है सर? अभी मालूम चलेगा तुमको, रुक जा। ये पेड़ का सीड का साइज देख रहे हो, अराउंड 2 सेंटीमीटर साइज का सीड है। बट ये 2 सेंटीमीटर साइज के सीड के अंदर डाटा है। कौन सा डाटा है? जैसे ही तुम इसको जमीन में डालता है ना बाबू, तो ये सीड क्या करता है, ये उस डाटा को प्रोसेस करके एक बड़ा सा पेड़ बनता है, बनाता है। ये पूरा बड़ा सा पेड़ कहां से निकला बाबू? छोटे, उस सीड से निकला। ठीक है, इतना बड़ा पेड़ जिसके अंदर से जो है तुम गाड़ी पार कर सकता है, इतना बड़ा पेड़ जिसको तुम गले भी नहीं लगा सकते। छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, देखो उस पेड़ को ऐसे देख रहा है, गला लगाना तो दूर का बात। इसका ट्रंक इतना मोटा है कि भाई तुम छोटे दिखोगे। ठीक है, इतना बड़ा पेड़ जो ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आसपास का है, हमारा स्पेस शटल से भी बड़ा। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा पेड़ बनाने का कॉन्सेप्ट एक चिप में फिट कर दिया गया, उस चिप का नाम है सीड। ठीक है ना, हम लोग अपना दिमाग यूज करते हैं ना, ये देखो साइड में दिमाग है, अभी दिमाग का स्पेशलिटी दिखाता हूं तुम्हें, देखना। यहाँ पे ब्रेन का जो है, ब्रेन का कुछ अमेजिंग इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने रखा गया। चल हम लोग ट्राई करते हैं, जितने दुनिया के बेस्ट बेस्ट साइंटिस्ट है सबको साथ में लाते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेवल का ब्रेन डिजाइन करें। पता है ब्रेन में जितना न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, बोला जाता है कि हमारे यूनिवर्स में जितने स्टार्स है उससे ज्यादा है। ठीक है, हम लोग का साइंस AI के लेवल तक डेवलपमेंट कर चुका है, आगे चल के जो है, आगे चल के इस लेवल तक का भी डेवलपमेंट कर पाएगा, लेकिन शायद कर पाएगा, लेकिन किसी ने ऑलरेडी कर रखा है। कब कर रखा है? जब हमारा साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ था, तब से हमारा ब्रेन है। रादर किसी ने हमारे ब्रेन को इतना डेवलप किया जिस ब्रेन का इस्तेमाल करके हम लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स बना रहे हैं। किसने हमारे ब्रेन को डिजाइन किया? वो रोबोट क्या बाई चांस बन गया? बेशरम उसको साइंटिस्ट लोगों ने बनाया ना, पॉकेट में बना क्या, तो तुम्हारा ब्रेन क्या ऐसे ही बन गया? आज अगर हाथों से खाना खा पाते हो तो ब्रेन काम करता है इसलिए खा पाते हो। ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन बोलता है हाथों से उठाओ और यहाँ पे मुंह में डालो। ठीक है, ऐसे ही खा लेते हो क्या? ये ब्रेन किसने बनाया? या ये चिप किसने इंस्टॉल किया यहाँ पे? ये चिप इसको कोई बनाने वाला है, और ब्रेन को कोई नहीं बनाया। ये बाई चांस हुआ सर, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, गॉड नहीं, गॉड कहाँ, ये सब सब दुनिया में जो चल रहा है सब बाई चांस चल रहा है। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? नहीं नहीं, नो एग्जिस्टेंस, कहाँ एग्जिस्टेंस है?
ठीक है ना, पूरा का पूरा चिप प्लांट कर दिया गया है और ये एक स्टेटमेंट है, द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज. क्या मजाक कर रहे हैं सर, सच में हमें तो सर 1.5 घंटे का क्लास याद नहीं होता. ये कौन है रिचर्ड रेस्टक, पागल वागल हो गया है क्या ये? इट कैन स्टोर, बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग का जो है हमारा कंसंट्रेशन लेवल उतना नहीं है ना. क्लास में बैठते बैठते भी हमें पबजी का ध्यान आता है, आज शाम को क्लास चल रहा था और बच्चे लोग व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, तो कहां से क्लास का पढ़ाई अंदर जाएगा भाई. ठीक है ना, यूज करो ब्रेन, यूज करो. अब जो है अब थोड़ा हम लोग अपने माइक्रो वर्ल्ड में जाएंगे, क्वांटम वर्ल्ड बोलते हैं इसे. ठीक है ना, डीएनए, डीएनए में जो है डीएनए में वो सारा इंफॉर्मेशन रहता है जिससे एक ह्यूमन का बॉडी को रीडेवलप किया जा सके. ठीक है ना, एक एक डीएनए के अंदर जो है ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है. यू द बायोलॉजी स्टूडेंट मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस डीएनए. ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये. सॉलिड स्टेट जिसने पढ़ रखा है क्लास 12 में, सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर आता है उसमें लैटिस स्ट्रक्चर बताया जाता है. ये सब लैटिस स्ट्रक्चर है, आई विल कट इट शॉर्ट. ठीक है ना, ये सब किसी ने डिजाइन कर रखा है, तुम लोग सिर्फ पढ़ते हो भाई. ठीक है ना, केमिस्ट्री टीचर सूरज सर तुम्हें ये सब पढ़ाते हैं, निगम सर तुम्हें ये सब पढ़ाते हैं. ठीक है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसको किसी ने बना रखा है. ये सारा सुंदर सुंदर शेप किसी ने बना रखा है. ठीक है ना, वही ग्राफाइट थोड़ा सा उसमें छेड़छाड़ कर दो और वो डायमंड बन जाता है सर. सच में? हाँ सच में. ठीक है, ये माइक्रो वर्ल्ड था, छोटा वर्ल्ड, और ये हमारा बड़ा वर्ल्ड है, हमारा सोलर सिस्टम. ठीक है ना, चलो थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं कैसा है हमारा सोलर सिस्टम. ये सब ऑटोमेटिकली घूम रहा है बाय चांस ना, देख लिए, बस यही है. पता है कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से ढुम नहीं टकराता बाई चांस. साइंटिस्ट ने बोला है कि कभी भी कोई प्लैनेट जो है किसी दो प्लैनेट्स का ऑर्बिट भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, बट कभी भी ये प्लैनेट्स एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे. साइंटिस्ट उनका ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ही ये बोल रखा है. ठीक है ना, और ये सन को लेके कुछ वाइटल डाटा है जिसको मैं थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा. ठीक है, ये और एक वीडियो है बट लेट्स कट इट शॉर्ट, इतना ज्यादा वीडियोस क्या देखेंगे सर. ठीक है ना, यहाँ पे फिबोनाची सीरीज है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट फिबोनाची सीरीज. अगर नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे अगर 11 12 में तो तुम 11 क्लास का कंप्यूटर साइंस में तुम्हें पढ़ाया जाता है फिबोनाची सीरीज. ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर सुंदर सा शेप है, ऐसा डिजाइन है, ऐसा डिजाइन है. ये डिजाइन कोई बाई चांस का डिजाइन नहीं है, इसके पीछे एक नंबर्स का गेम है, उसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज. ठीक है ना, और ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन यूनिवर्स में हमें कई जगह देखने को मिलता है. ठीक है ना, ये गैलेक्सी का डिजाइन, जो जैसा कर्व गैलेक्सी फॉलो करता है वो फिबोनाची सीरीज में बराबर फिट होता है. यहाँ पे कुछ तो है, मेरे को ये मटेरियल का नाम नहीं मालूम और तुम्हें भी स्पॉटलाइट में दिख नहीं रहा होगा परहैप्स. ठीक है, यहाँ स्पॉटलाइट आ कहाँ से रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है, ये कोई एक फूल का जो है बीच का पोर्शन है. ये भी जो डिजाइन जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ये फिबोनाची सीरीज में फिट होता है, फिबोनाची सीरीज में फिट होता है. ये भी फिबोनाची सीरीज में फिट होता है. ये हमारा क्या है, उंगलियां है, उंगलियां, ये हड्डी है, ये 1 3 5 8 ये जो रेशियो है. ठीक है ना, ये फिबोनाची सीरीज में फिट होता है. ये जो तुम्हारा स्टॉर्म्स आता है, ठीक है ना, तुमने सुना होगा ना कि अभी जो है अभी उड़ीसा में जो उड़ीसा में आया था, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसे मैं भूल जा रहा हूँ, जो भी तुम तो भावना होगा समझ रहे हो. हाँ, साइक्लोन बोलते हैं, दिमाग से उतर गया था. ठीक है ना, जो साइक्लोन्स वगैरह आया था, साइक्लोन का जो एक ऐसे कार्वेचर जो डिजाइन बनता है ये फिबोनाची सीरीज को फॉलो करता है. हर जगह पे फिबोनाची सीरीज फॉलो हो रहा है बाय चांस. चलो और थोड़ा सा आगे देखते हैं. ठीक है, ये एक सैटेलाइट है. कहाँ है सैटेलाइट सर? ये देखो, ये है सैटेलाइट. ठीक है, और इस सैटेलाइट को वहां पे बनाए रखने के लिए धरती में हमेशा 24/7 मॉनिटरिंग होते रहता है. क्या क्या मॉनिटर करते हैं, ठीक ठाक घूम रहा है कि नहीं, स्पिन वेलोसिटी. ठीक है, ऑर्बिट डीके करेक्शन. ये ऑर्बिट डीके करेक्शन के बारे में मैंने एक स्टोरी शेयर किया था रेगुलर क्लास में, जो आइंस्टाइन का स्टोरी था, 3 सेकंड का टाइम डिले, कॉस्मिक रेडिएशन से इसको बचाना हुआ, हीट वगैरह, अगर ये ज्यादा गर्म हो रहा है तो हीट कैसे डिसिपेट करेंगे. ठीक है ना, अर्थ से ये सैटेलाइट का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, ये सब चीज को ना हर पल कंट्रोल किया जाता है. जगह से जहां से कंट्रोल होता है उसे बोलते हैं सैटेलाइट कंट्रोल रूम. ठीक है ना, इतने लोग बैठे रहते हैं वहां पे जस्ट टू मेंटेन वन सैटेलाइट. ठीक है, अब उसके बाद आते हैं प्लैनेट अर्थ में. ठीक है ना, जिसका वजन है 6×10^21 मेट्रिक टन के हिसाब से. ठीक है, ये अर्थ यहाँ पे पड़ा हुआ है.
और सन से जो है बहुत तेजी से जो है सोलर विंड्स निकलते हैं और बहुत सारा जो है हार्मफुल रेडिएशन वगैरह निकलता है जो तुम पढ़ रखे हो। अर्थ को कोई बचाता है हर पल? तुम बचाने गए थे ना, आयरन मैन गया था तुम्हारा, ठीक है ना, वहां पर जाकर अर्थ को बचाएंगे, यूनिवर्स को बचाएंगे, ठीक है ना। आजकल आजकल हर मूवीज में यही आ रहा है, पूरा यूनिवर्स को बचाने का हर ताम झाम जो है वो अर्थ के ही लोग ले रखे हैं, बाकी प्लेनेट के लोग नहीं ले रखे हैं। अर्थ के लोगों को पूरा यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना है, वाह, ठीक है। तो यहाँ इसको अर्थ को कौन बचाता है इतने हार्मफुल रेडिएशन, ये स्पीड भी बहुत ज्यादा है, अर्थ को कौन कंट्रोल कर रहा है? सर मुझे पता है अर्थ को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? नासा, बेवकूफ, ठीक है। ट्रैफिक लाइट में कंट्रोल जो करता है ना वो है पुलिसमैन, ठीक है ना। और ये प्लैनेट जो एक दूसरे के ऑर्बिट्स को ओवरलैप करके घूम रहे हैं उनको भी एक दूसरे से टकराने के लिए रोकना पड़ेगा एक दूसरे से टकराने से, लेकिन वहां पर तो ट्रैफिक पुलिस नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, इसका मतलब क्या है? लेकिन कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना उनके रोटेशंस को। We don't know exactly by for the time being कि कौन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कोई तो कंट्रोल कर रहा है। Who is in control? ठीक है ना? ये जो यूनिवर्स माइक्रो वर्ल्ड से लेके मैक्रो वर्ल्ड, इतना सुंदर सुंदर जो डिजाइन के पीछे डिजाइनर होता है। ए था आर्टिस्ट्री के लिए, बी था ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सी था क्रिएशन के लिए और डी है डिजाइन के लिए। अभी आप क्लास में दिखोगे, कल परसों कभी भी दिखोगे, मैं पूछूंगा, एक एक एग्जाम्पल भी पूछूंगा, लिख के रखो, ठीक है। ये सन का एग्जाम्पल है कि ये सन जिसको हम लोग जिससे हम लोग हर दिन एनर्जी हार्नेस करते हैं, इसका एनर्जी कितना, मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा, काफी समय हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है ना। कुछ डाटा दे रखा है जिसको आप, मैं यार चला ही देता हूं, एक वीडियो है, थोड़ा सा लेट हुआ तो हुआ। इतना सारा जीरो, ये अच्छा लगा देख के, इतना बड़ा सन है तो हमारा अर्थ कहाँ पे है यार, दिख भी नहीं रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे, ठीक है ना। ये है हमारा सन और हम लोग एक छोटे से प्लेनेट में जी रहे हैं वहां पे। कुछ इन्फॉर्मेशन थे हमारे सन के रिगार्डिंग, जिससे ज्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन तुमको इस पिक में मिल जाता है कि सन कितना एनर्जी रेडिएट करता है हर पल, ठीक है ना। हर पल सन इतना एनर्जी रेडिएट करते रहता है और इस एनर्जी को ही हम लोग यूज करते हैं। अरे बेशरम, अगर सन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो तुम्हारा वाटर को वाटर वेपर कौन बनाएगा? जब तक वाटर वेपर नहीं बनेगा नदी में पानी कहां से आएगा? नदी में पानी नहीं आएगा, तुम डैम में किसका एनर्जी हार्वेस्ट करोगे? राउरकेला में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, हीरापुर डैम में हार्नेस हो रहा है। हीरापुर डैम में पानी कहां से आ रहा है? वाटर वेपर से आ रहा है। वेपर कौन बना रहा? सन बना रहा। सर सन के पास एनर्जी कहां से आए? तुमने दिया था ना, हम भेजे थे, सन ले ले एनर्जी, ले ले थोड़ा सा हमसे। Who has given energy to sun? In fact, मैं लॉजिकली बोलता हूं, अभी अगर मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे तुम्हें क्लास ले रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते कहीं मेरे को दिखता है कि खिड़की से एक पत्थर क्लासरूम के अंदर आया, ठीक है ना, मैं तुरंत नीचे जाऊंगा, मतलब खिड़की से जो है खिड़की से नीचे देखूंगा कि किसने फेंका। तुम भी देखोगे अगर तुम्हारे तुम्हारे साथ ऐसा इंसिडेंट होगा तो। क्यों? क्योंकि अगर उस पत्थर को एनर्जी दिया गया है तो पक्का किसी ने एनर्जी दिया है, इसलिए तुम नीचे जाके देखते हो कि आखिर उसको फेंकने के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है ना। मुझे भी कोई अगर यहाँ पे पत्थर अगर रूम में आके गिरता है तो मैं नीचे देखूंगा कि किसने फेंका है, ठीक है ना। क्योंकि अगर पत्थर को एनर्जी दिया ऑटोमेटिकली तो उसका मन नहीं किया चलो धरती में बैठ बैठ के बोर होते हैं, योगेश्वर के क्लास में जाके क्लास अटेंड करेंगे, पत्थर का तो ऐसा मूड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पत्थर को एनर्जी किसने दिया? ठीक है, सन को एनर्जी किसने दिया? अगर एनर्जी है कहीं पे
तो एनर्जी सप्लाई करने वाला भी पक्का होगा। कौन है मेरे को नहीं पता, कोई तो होगा, लॉजिकल। ठीक है, लुक द वर्ल्ड अराउंड यू, ये बेशरम देखो कैसे करके अपने अपने आसपास की दुनिया को देख रहे हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारे कोचिंग सेंटर का टाइम है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का टाइम है, सुबह 9:30 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट होता है, तुम्हारा कोचिंग सेंटर सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। किसने लॉ बनाया? योगेश सर ने लॉ बनाया। हाँ ठीक है ना, हु मेड दिस लॉ? योगेश सर ने लॉ बनाया। स्कूल का टाइमिंग जो है एक पर्टिकुलर टाइम सेट है, सुबह 7:30 बजे स्कूल जाना है, किसने बनाया? स्कूल के प्रिंसिपल ने बनाया। ठीक है, पता है इंडिया में ना तुमको गाड़ी हमेशा लेफ्ट में रखना है और यूएस में तुमको गाड़ी हमेशा राइट में रखना है। हाँ सर सच्ची, हाँ एकदम। ठीक है ना, किसी ने ऐसा लॉ बना रखा है, किसने बनाया? इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है, ये जो बॉल है क्रिकेट खेलते हो एक ओवर में 6 बॉल होता है, क्यों सर 6 बॉल क्यों, हम एक ओवर में 8 बॉल फेंकेंगे। फेंक बेटा वाइट फेंक तो, ठीक है ना, वही तो है तुम्हारे जीवन में, और क्या काम बचा है। हाउ मेनी ओवर्स इन ए वन डे इंटरनेशनल मैच? एज सच 50 ओवर। ठीक है ना, एक टीम में कितना प्लेयर होना चाहिए, कितने तरीके से बैट्समैन को आउट किया जाएगा, ये सब रूल्स किसने बनाया? कोई तो बनाया नहीं, ऑटोमेटिकली बन गया। ये रूल्स आज चेंज होता है, नो बॉल में फ्री हिट, तो कोई तो चेंज कर रहा है ना, कोई बनाने वाला है, कोई चेंज करने वाला है। लोग बोलते हैं आईसीसी बीसीसीआई, ठीक है ना, काफी क्रेज है आजकल इंडिया में क्रिकेट का, पहले भी था। ठीक है ना, तो कोई तो है ना जो इन सब चीजों को कर रहा है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कर रहा है। ये रूल किसने बनाया? सूरज सर ने बनाया? नहीं, सूरज सर ने नहीं, अच्छा निगम सर बनाया, निगम सर ने भी ये रूल नहीं बनाया। सर क्या बोल रहे सर, हम जाके कल कंप्लेन करेंगे सूरज सर और निगम सर को, जाओ करो। निगम सर और सूरज सर ने ये रूल्स नहीं बनाया, निगम सर और सूरज सर तुमको ये रूल सिखाए, उन्होंने सिखाया, बनाया नहीं। ठीक है, ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिक टेबल। ठीक है ना, और क्लास 8 और 9 में सिखाया जाता है कि ये जो है इसका अरेंजमेंट को पीरियडिक लॉ बोला जाता है। लॉ पीरियडिक चांस बोलते हैं क्या? बाई चांस एलिमेंट ऐसे सेट हो गया, बेशरम हो, ऐसे थोड़ी सेट होता है बाई चांस। This is a law. This is not by chance. अब आ गया योगेश सर का बारी। ठीक है ना, योगेश सर ने पढ़ाया है S is equal to UT half AT square, B is equal to U plus AT, F is equal to D sin theta cos theta, और ये FBD ये बनाया, अभी अभी 11 में सिखाया हूं मैं। ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना 11 में सिखाया हूं, 9 में सिखाया हूं। ठीक है ना, 9 के बच्चे हो, देख रहे हो ना FBD, 9 एंड 11 रेज हैंड, जो अभी अभी लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट मोड पे FBD सीखे हो। काफी बच्चे हैं यहाँ पे 9-11 के, गुड। अच्छा, इसका मतलब है जब तक योगेश सर ने एफबीडी नहीं सिखाया था तब तक क्रिएशन में ये सब चीजें काम नहीं करता था, बट योगेश सर ने सिखाया, योगेश सर ने ये सब लॉ को बनाया नहीं। अच्छा, न्यूटन ने बनाया होगा? अरे न्यूटन ने ढूंढा, बनाया नहीं, यही बेचारा न्यूटन, और उसके सिर पे एप्पल गिरा। प्रोजेक्टाइल मोशन टन टन है, योगेश सर ने सिखाया, योगेश सर ने ढूंढा नहीं, किसी ने ढूंढा, बनाया नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 10 वाले बच्चों रेज हैंड, 10 और 8 तुम लोगों को अभी लेटेस्ट पढ़ाया गया ही है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इज इट बाय चांस? दोनों एंगल सेम हो गया, अपने आप सेम हो गया सर। ठीक है ना, इस दुनिया में जो भी चीज चल रहा है ना, दे आर मेटिक्यूलसली गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज, सब एक नियम कानून को पालन कर रहा है। कोई लाइट बोलेगा अच्छा अच्छा हम 30 डिग्री में गए, मेरे को ना यार 30 डिग्री में रिफ्लेक्ट होने का मूड नहीं है, मैं क्या करता हूं, मैं 60 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो जाता हूं, चांस नहीं। ठीक है ना, लाइट को एक नियम का पालन करना है हमेशा, क्या? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मनमानी नहीं कर सकता। इस दुनिया में लिविंग एंटिटीज, हम जैसे को छोड़ के जो नेचर है ना, नेचर हमेशा एक लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, नियम है, व्हाइट लाइट डालोगे तो 7 निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि आज 7 निकलेगा और कल 2 निकलेगा, बुरा मान गया प्रिज्म, आज प्रिज्म गुस्से में है इसलिए आज प्रिज्म 2 लाइट निकालेगा, नहीं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, altogether law of optics, this is the law of thermodynamics, I'll cut it short, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब law without any exception हर बार बराबर काम करता है,
ठीक है ना। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं है कि आज काम करेगा कल नहीं करेगा, ठीक है। माइक्रो वर्ल्ड से मैक्रो वर्ल्ड तक सब कुछ एक पर्टिकुलर लॉ के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है ना। और वो लॉ कभी भी बाईपास नहीं होता। एक बॉल को अगर तुम इस हाइट से गिराओ, वो अगर एक सेकंड लेगा गिरने में, दोबारा गिराओ एक सेकंड ही लेगा, तीसरी बार गिराओ एक सेकंड ही लेगा, ना कभी ज्यादा लेगा ना कभी कम लेगा। एवरीथिंग दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड इन दिस वर्ल्ड आर बीइंग कंट्रोल्ड प्रिसाइजली परफेक्टली। वो लॉ कभी फेल नहीं करता, एक्सेप्शन नहीं है उसमें। ये दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए लॉज है। तो क्या लगता है, लॉज है लेकिन वो लॉ को बनाने वाला कोई नहीं होगा, लॉ मेकर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। जस्ट टू पुट द स्लाइड, मतलब जस्ट टू मेक इट फास्ट, मैं जल्दी जल्दी पार कर रहा हूं। इसको तुम खूबसूरत बोलते हो, इसको तुम अगली बोलते हो, नॉट दैट खूबसूरत। इसको तुम हैंडसम बोलते हो और इसको तुम मोटा बोलते हो, एह मोटा है, ठीक है ना। इसको तुम अमीर बोलते हो और इसको तुम गरीब बोलते हो, डॉक्टर बाबू लेबर। कौन डिसाइड करता है? सर हम डिसाइड करते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। बेटा डॉक्टर बनने का डिसीजन से तुम डॉक्टर बन जाएगा। तुम भी जानते हो कि तुम कितना पढ़ाई कर रहे हो और तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं, तुमको पता है। हम क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं मैं बताता हूं। हम डिसाइड कर सकते हैं हम कहां पे कोचिंग लेंगे, कौन सा स्कूल में जाएंगे। हम डिसाइड कर सकते हैं हमको क्या नौकरी करना है, हमको टीचर बन के बच्चों को सही रास्ते पे गाइड करना है या वहां आईटी कंपनी में जाके जो है 8 घंटा तक चप्पल घिसना है। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा हस्बैंड कौन होगा, हमारा वाइफ कौन होगा। हम ये डिसाइड कर सकते हैं अपन कौन सा कंपनी का कार खरीदेगा या फिर कैसा घर बनाएंगे। बट हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप कौन होंगे। तुम कर सकते हो? हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा फेस कट कैसा होगा, ना कि यहाँ नहीं यहाँ रहना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं, आंख जो है 2 आंख कम पड़ रहा है सर, एक काम करते 3 आंख होना चाहिए मेरा। वी कैन नॉट डिसाइड आवर शेप, फेस का शेप भी। कोई कोई गर्ल्स का जनरली आदत होता है, नो ऑफेंस, मैं किसी का ऐसे अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन गर्ल्स का जनरली आदत होता है थोड़ा और गोरी होती तो अच्छा लगता। अरे बेशरम, जितना मिला उतना में खुश नहीं रहते क्या, ठीक है ना। थोड़ा सा फेयर एंड लवली लगा लेते हैं जल्दी गोरे हो जाएंगे, ठीक है ना। फेस कट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, नाक बड़ा हो गया सर्जरी करवा लेते हैं। मैं सुना हूँ वो बॉलीवुड हॉलीवुड में लोग सर्जरी करवाते हैं, ठीक है ना। वो माइकल जैक्सन कितना बार सर्जरी कराया, कितना बार फेल किया। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हमारा इंटेलिजेंट कितना होगा सर, ये डिसीजन बस भगवान हम पे छोड़ देते हैं, अच्छा हो जाता, ठीक है ना। हर एक बच्चा का इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं होता। तो सर कौन डिसाइड करता है और किस बेसिस पे डिसाइड करता है? बहुत हुआ सर, हम अपना घर डिसाइड कर सकते हैं, हम अपना कार डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप डिसाइड नहीं कर सकते, हम अपना इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं कर सकते। तो कौन करता है बताइए, बस मेरे को बताइए। बाई चांस होता है सर, अब बाई चांस नहीं बोलोगे, तब तक बाई चांस चल रहा था, अब किसको लाओगे? अब भगवान को लाओगे, क्यों? ब्लेम करना है ना, ठीक है ना। अब भगवान को लाओगे, बाई चांस होता है? नहीं नहीं, अब बाई चांस, भगवान ने मेरे को ऐसा बना दिया, ये बाई चांस नहीं है, इसमें भगवान आ गए। ओह क्या आईक्यू है यार तुम्हारा, ठीक है, इज इट बाई चांस, ठीक है ना। जब दुनिया में सब कुछ एक लॉ को फॉलो कर रहा है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जन्म और मृत्यु, तुम गोरे हो काले हो खूबसूरत हो या खूबसूरत नहीं हो, अमीर हो गरीब हो, तुम कैसे सोच सकते हो ये सब बाई चांस हो रहा है? If the entire world is being controlled by certain law, then these cannot be random events at all. ठीक है ना? इसको भी एक law से govern किया जाता है, उसको बोलते हैं law of karma. मानो या ना मानो, तुम्हारे ऊपर है। भगवान होते हैं नहीं होते तुम मानो ना या ना मानो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। तो कर्म, तुम जस्ट, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ क्लास में, मैं मानता हूँ, आज से मैं बोलता हूँ कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानूंगा। मत मानो बेटा, ठीक है ना। और तुम क्योंकि ग्रेविटी को नहीं मानता, आज से मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं ग्रेविटी को नहीं मानता, मैं अभी छत से चलना शुरू करूंगा और आसमान में चल के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं ग्रेविटी को नहीं मानता हूँ इसलिए ग्रेविटी मेरे पे काम नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, ग्रेविटी डर गया, ओहो तू मेरे को नहीं मानता, ठीक है जा पट्टी, हम तेरे पे और एक्ट नहीं करेंगे। तुम मानो या ना मानो, ग्रेविटी काम करेगा। दैट इज योर इन्फेरियर इंटेलिजेंस कि तुम ग्रेविटी को नहीं मानते बेशरम।
ठीक है ना, लॉ ऑफ कर्म, तुम्हारे मानने नहीं मानने से वो चेंज नहीं होने वाला, वो काम करता है, वो काम करेगा, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज यू विल से आई विल नॉट बिलीव इन लॉ ऑफ कर्म, मर कौन मना किया, ठीक है ना। अगर हर चीज को लॉ से कंट्रोल किया जा रहा है, लॉ के पीछे लॉ मेकर है, जैसे मैं बताया ए बी सी डी ई एफ, एफ तक खत्म हुआ, और यहाँ पे हमारा पहला सेशन खत्म होता है इन पांच में से, ऑब्जर्वेशन। हमने दुनिया को ऑब्जर्व किया, फिर से उसी दुनिया को ऑब्जर्व किया जिस दुनिया को हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रखे थे, लेकिन अभी देखने का नजरिया अलग था, ठीक है ना। अभी जल्दी जल्दी जाना होगा क्योंकि बाकी सब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। अब हम देखते हैं, सर आप जो बोल रहे हैं मेरे को थोड़ा सा तो फील हो रहा है कि कोई ना कोई तो होगा, कोई गॉड वगैरह होना तो चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर हम जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट को मानते हैं, ठीक है ना, हम न्यूटन को पूजा करते हैं, माय गॉड क्या लॉ बनाया, आइंस्टाइन को बोलते हैं माय गॉड तुमने इतना ज्यादा आविष्कार किया, और कौन कौन है तुम्हारा, फैराडे है, चाचा है, चाची है, कितने लोग हैं तुम्हारे साइंटिस्ट, ठीक है ना, ये चाचा ये किताब बन गया, ये थ्योरी दिया, ये थ्योरम दिया, ठीक है ना, पाइथागोरस ने थ्योरम दिया, एंड सो एंड सो। ये साइंटिस्ट लोग भगवान के बारे में क्या बोलते हैं, चलो थोड़ा पता करते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ महान महान साइंटिस्ट को लेंगे, निकम्मे नालायकों को नहीं लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, कुछ साइंटिस्ट निकम्मे नालायक भी होते हैं। ये हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम पता नहीं यार, ये साइंटिस्ट का नाम तो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, किसको किसको नहीं मालूम है इसका नाम, रिजाइन, कौन कौन इसे नहीं पहचानता है, वाह। अनुभव एंड कुमार शुभम बोलता है नहीं पहचानता, चप्पल पड़ेगा बेशरम चप्पल, ठीक है। शिवा प्रसाद बोलता है नहीं पहचानता है, कल आओ कल मिलो मेरे से, ठीक है ना। ये हमारे आइंस्टाइन चाचा है, ठीक है ना, हर हॉर्लिक्स का एडवर्टाइजमेंट में, हर बॉम्बिटा का एडवर्टाइजमेंट में, बेचारा मर गया है ना इसलिए इसको उड़ देता है, ठीक है ना। हॉर्लिक्स पियो दिमाग की शक्ति बढ़ाओ, आइंस्टाइन बन जाओ, वाह। एक हॉर्लिक्स से बन जाता है इंसान तो हर वक्त हर हर घर में जो है आज हॉर्लिक्स और बॉम्बिटा होता, ठीक है ना। ठग रहे हैं ये लोग तुमको आइंस्टाइन के नाम पे, जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। ये आइंस्टाइन जिसको हम लोग इतना मानते हैं ये भी बोलता है, ठीक ना। आइंस्टाइन को लेकर बहुत सारे स्टोरीज है, स्पिरिचुअल स्टोरीज, ठीक है ना। एक्चुअली ये बंदा सीरियसली इंक्विजिटिव था, इसको चांस नहीं मिला बेचारे को। इसको जानते हो तुम, ये बहुत बड़ा रामायण है, तुम लोग तो मुझे पता है कि तुम लोग इतना ज्यादा पढ़ोगे नहीं, बस ये है कि ये बोल रहा है कि यार तुम अगर साइंस को ज्यादा स्टडी करोगे तो तुमको भगवान के ऊपर जो है बिलीव करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने नहीं बोला, मैं एकदम नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक हूँ, ये साइंटिस्ट बोल रहा है और मैं साइंटिस्ट को मानता हूँ। अरविंद स्क्रॉडिंगर, ये यही है वो स्क्रॉडिंगर, 11 में पढ़े ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, स्क्रॉडिंगर देखो कैसे हंस रहा है, ठीक है। सर हम तो साइंस को मानते हैं, हम तो भगवान को नहीं मानते, लेकिन हमारे जो साइंस के दाता है वो भगवान को मानते हैं। फंस गए सर, अब क्या करें, ठीक है ना। इफ यू थिंक स्ट्रांगली एनफ, हम तो सोचते ही नहीं है सर, हमारा तो जीवन सिर्फ यूट्यूब फेसबुक और क्या ट्विटर पबजी में चलता है, सोचने का काम हमारा थोड़ी है। इफ यू थिंक स्ट्रांगली एनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा, सोचते हो सर, भारी बेइज्जती कर रहे हैं सर आप हमारा। स्टोरी ऑफ सर आइजैक न्यूटन ये नहीं बता सकता, मेरा 10 बजे क्लास है, ठीक है सर। 3 बार आप तब से बोल चुके हैं क्लास है बहुत हुआ सर, एनफ बताइए, कभी बताऊंगा क्लास में बताऊंगा स्टोरी ऑफ सर आइजैक, अब भी बता देता हूँ, क्लास थोड़ा डिले हो, ठीक है ना। ये एक ट्रू स्टोरी है, न्यूटन ना यूनिवर्स का एक मॉडल तैयार किया था, ये उसका पिक है, ठीक है ना। तुम्हें स्क्रीन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं काफी अच्छे से देख पा रहा हूँ। ये एक मॉडल तैयार किया था कि सन है, सन के अक्रॉस कैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स कैसे घूमता है। ये मॉडल बड़ा सुंदर तरीके से तैयार किया था, और इसके बाद ना एक बार इट सो हैपेंड कि न्यूटन का एक नास्तिक दोस्त, नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, गलती से एक बार न्यूटन से मिलने आया और वो बोला यार बड़ा मस्त डिजाइन है, कौन ने बनाया। न्यूटन ने आंसर किया, अरे नहीं नहीं कोई नहीं बनाया, एक्चुअली मैं क्या किया था ना, मैं 8-10 स्फीयर को इस रूम में ला के रख दिया था और अगले दिन दरवाजा खोला तो बन गया था। उसका चल मजाक कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, कोई तो बनाया होगा, अपने आप थोड़ी बनता है। न्यूटन बोला बेशरम, इतना बड़ा यूनिवर्स को भी कोई बनाया होगा तो नास्तिक बना फिर रहा है, ठीक है। ये न्यूटन का स्टेटमेंट है। न्यूटन ने बोला मैंने नहीं बोला, तुम न्यूटन को मानते हो, मैं तो नास्तिक हूं, क्या करूं, मैं फंस गया अभी। न्यूटन को मानता हूं और न्यूटन का ये स्टेटमेंट को नहीं मानूंगा, आधा स्टेटमेंट को मानूंगा आधा स्टेटमेंट को नहीं मानूंगा, ऐसा कैसे होगा। मैक्स बॉर्न, चलो ये हमारे रामानुजन जी है, ठीक है ना। ये रामानुजन इंडियन,
There is a higher power not influenced by our wishes. एक ऐसा power है जो जिसको हम लोग control नहीं करते, ठीक है ना? Rather उस power से हम लोग control होते हैं. Heisenberg uncertainty principle. चलो, ये सारे साइंटिस्ट हैं हमारे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ठीक है ना, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11 एंड 12 के सिलेबस में. यू नो इट प्रीटी वेल, राइट? तो जब 11 12 का साइंस में हम मान बैठे हैं, तो उनका ये सब स्टेटमेंट्स को मानने में क्या जाता है रे तेरे को? ये हमारे, ये तो पहला तो हमारा ऑब्जर्वेशन था, दूसरा हमारे आदरणीय साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन था. और अब हम तुमसे सवाल पूछेंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए माइक अनम्यूट करने का परमिशन दे देता हूं तुमसे, तुमको, ठीक है ना? $2 million क्वेश्चन. माइक अनम्यूट करने का परमिशन. लेट्स स्टार्ट. एक करोड़ का सवाल रहेगा, बस पैसे मैं नहीं दूंगा, ठीक है? 1 crore. लेट्स सी हु विल आंसर इट राइट. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? इस यूनिवर्स का ओरिजिन, शुरुआत कैसे हुआ? ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन है बिग बैंग. टंटर है सर, साइंस बुक में यही पढ़ाया था, यही पढ़ाया था. ऑप्शन है, ऑप्शन है, बेशरम रुक, और भी ऑप्शन है. बिग बैंग नहीं, नहीं सर, इंटेल, कोई कोई डिजाइनर नहीं है, कोई डिजाइनर नहीं है. बाई चांस, हाँ सर ये पॉसिबल है, बिग बैंग थ्योरी बोलता है बाई चांस. क्या लगता है बच्चों, सही जवाब जल्दी बोलो. अरे बिग बैंग साइंस बुक में पढ़े हो, क्लास 8 का साइंस बुक में दिखा सकता हूँ मैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग. ठीक है ना, तो 1 crore जाता है उस बच्चे को जो ए बोलता है. क्या है ये? यू सर, सर यू मस्ट बी रॉन्ग सर. सर ऑप्शन सी कैसे हो सकता है सर? ठीक है चलो, $2 million. दूसरा सवाल, इस यूनिवर्स को क्यों बनाया गया? खाओ पियो मस्त रहो, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम. है सर ऐसे ही, कोई पर्पज नहीं है, ऐसे ही IIT JEE वगैरह सब फंसा रहे हम लोगों को यार तुम लोग, ठीक है ना? कोई IIT के लिए नहीं पढ़ना, कोई नीट के लिए नहीं पढ़ना, कोई पर्पज ही नहीं है, मस्त से मजे करेंगे. चलो बताओ, मुझे लगता है ऑप्शन सी. अरे सी, अरे यार डी बोल दोगे तो फंस जाओगे. सी बोलो, सी डी डी ऑप्शन डी. ओ माय गॉड, 2 crore जीत लिया तुमने सर. पैसे सर 2 crore दे दो, ऐसे मिलेगा भी चल जाएगा. चलो म्यूट कर देते हैं, ठीक है? मुझे लगता है इंट्रूडर जा चुका है, या फिर वो शायद ज्यादा, अगर वो लोग हैं भी तब भी अच्छा है, ठीक है ना? कोई ऐसा मशीन देखे हो? अभी अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना, हमारे घर में जो है कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है, और पापा से मैं पूछता हूँ कि कहाँ से आया, तो पापा बोलते हैं बाई चांस आया. बाई चांस तो जरूर हो ही नहीं सकता. या फिर कोई ऐसा जिसका कोई पर्पज ही नहीं है. ये मशीन अगर कहीं पे NIT के या IIT के लैब्स में तुम देखोगे, तो ये मशीन का कोई तो काम होगा. मेरे को नहीं पता क्या काम है, लेकिन कोई तो काम होगा. इतना कचड़ा दिख रहा है सर, कहां से लोहा हुआ को जोड़ दिया है, पता नहीं कुछ तो करता होगा. क्या, कौन जानता है क्या करता होगा, लेकिन करता होगा, ठीक है ना? तो इतना बड़ा यूनिवर्स और कोई काम नहीं. बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी वो बताता हूं, ठीक है ना? एज पर एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है ना, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से एवरीथिंग बिगेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ इंफिनाइट टेम्परेचर. एक छोटा सा पॉइंट, कितना छोटा? इन्फिनाइटेसिमल साइज. देखो इन्फिनाइट का मतलब इतना बड़ा कि तुम इमेजिन ना कर पाओ, और इन्फिनाइटेसिमल का मतलब इतना छोटा कि तुम इमेजिन ना कर पाओ. तो इतना छोटा सा पॉइंट था, ठीक है ना? कितना साइज? इन्फिनाइटेबल, इन्फिनाइटेसिमल साइज. उस पॉइंट का डेंसिटी कितना था? इन्फिनाइट डेंसिटी. तो वाह क्या बात, ठीक है ना? उसका टेम्परेचर कितना था? इन्फिनाइट टेम्परेचर था, जिसको हम फिजिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है ना, मैथमेटिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, और स्पेस टाइम का कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता. तो अचानक से फट गया और हमारा यूनिवर्स बन गया. हुआ व्हाट थ्योरी मार, मतलब जो इंसान इस थ्योरी को बोला उसको मार के दोबारा जिंदा करके दोबारा मार देना चाहिए. और हम साइंटिस्ट इसको गर्व से पढ़ते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद ये थ्योरी देने के बाद
बेशरम, शर्म नहीं आता इसको, पहले थ्योरी देता है उसके बाद बोलता है कि हम उसकी एश्योरिटी भी नहीं लेते, ठीक है ना। तो यूनिवर्स का क्रिएशन के पीछे बिग बैंग थ्योरी नहीं है बॉस, हमारे साइंस बुक में पढ़ाया गया है मैं मानता हूं, बट यूनिवर्स के क्रिएशन के पीछे बिग ब्रेन थ्योरी है, ठीक है, समझो इस बात को। क्या हो गया? आया, चलो अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अभी तक तुमको ये तो मालूम चल गया होगा कि वो प्राणी अदृश्य है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कोई तो है हु इज द कंट्रोलर, ठीक है ना। जैसे भारत देश में भारत सरकार है जो नियम बनाता है, ये करता है वो करता है, वैसे ही पूरा यूनिवर्स के लिए भी कोई है जो चीजों को कंट्रोल करता है, नियम बनाता है, डिजाइन बनाता है, लॉज बनाता है, एवरीथिंग। अभी हम क्या करेंगे, हम भारत सरकार को यूनिवर्सल सरकार के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। लेट्स मेक ए कंपैरिजन, थोड़ा सा समझ में आएगा ये कंपैरिजन में कि भगवान आखिर है और वो इन सब कार्यों को कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को काम करते हुए अपन ने देखा है, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या है, होम मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। हम लोग को क्या मिलता है, हमारे गवर्नमेंट क्या देती है, मेडिसिन सप्लाई करती है, मेडिसिन दुकानों में आता है, लेकिन अभी पता है ना कोरोना वायरस का जो एंटीडोट और ये सब है, ये सब गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रहे हैं ना, फोकट में जाके टीका लगा के आ रहे हो, बिना पैसे का सप्लाई कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये जो घर तक एनर्जी पहुंचता है, भले ही हम उसका पैसा देते हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी जो पहुंचता है, एनर्जी पहुंचा कौन रहा है, गवर्नमेंट पहुंचा रहा है। हीराकुद का डैम बनाना, वहां से हमारे घर तक एनर्जी को लेके आना, पैसा, ठीक है ना। वो रुपए एक पेपर ही है, लेकिन उसका ये कीमत बहुत है, राइट। और उसको किसने ऑथराइज किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑथराइज किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री हमें अपने बगल के देशों से युद्ध करने में मदद करता है, हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अच्छा ये देखो तो यार, हमारा नेशनल गवर्नमेंट कितना हेल्प करता है हमें, अच्छा तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट कुछ नहीं करता ना। और एक चीज, हमारे नेशनल गवर्नमेंट ने सीबीएसई बुक्स बनाया है, आईसीएसई बुक्स बनाया है, और वो बुक्स के थ्रू जो है हमें एजुकेशन दे रहा है। यू सी, नेशनल गवर्नमेंट इज सो हेल्पफुल, ठीक है ना। यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने भी कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर, इलिसिट सेक्स एड्स होगा, स्मोकिंग करोगे कैंसर होगा, दारू पियोगे लिवर प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने भी हमें सप्लाई किया। ये जो हमारे गवर्नमेंट हमें जो मेडिसिन सप्लाई करते हैं ना, उसको बनाते कहां से, धरती जो नेचुरल हर्ब देता है उसको ही उस मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं। अपने से मेडिसिन बना सकते हो, अपने से यार वो एक नींबू डिजाइन नहीं कर सकते। साइंटिस्ट लोगों को बोलो मिट्टी देता हूं, सनलाइट देता हूं, और क्या बोलते हैं, और क्या चाहिए, पानी देता हूं। अपने लैबोरेटरी पे एक एक एटम को जोड़ जोड़ के एक नींबू तैयार करके दिखा मेरे को, बेशरम, ठीक है। मिनिस्ट्री हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन सन एंड मून दे रखे हैं हमें यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। ये सोना चांदी कहां से आता है, इसको थोड़ी भारत सरकार देता है, इसको तो किसी और ने हमें दे रखा है, ठीक है। ये ओजोन लेयर के बारे में तो समझते हो, सन से जो हार्मफुल रेज आता है उससे हमें कौन बचाता है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट बचाता है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हमें ओजोन से नहीं बचा सकता, हालांकि अपने नेबरिंग कंट्रीज से बचा सकता है, लेकिन ओजोन से नहीं, ठीक है ना। और पढ़ने के लिए हमें भगवान ने वेदास दिया है, बाइबल दिया है, कुरान दिया है। इफ यू आर फ्रॉम हिंदू धर्म, लर्न वेदास, इफ यू आर फ्रॉम क्रिश्चियन, बाइबल पढ़ो, मुस्लिम कुरान पढ़ो। लेकिन बेटा पढ़ तो, बेशरम तुम तो पढ़ेगा नहीं, तुमको तो खाली लड़ाई झगड़ा करना है, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट, बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट एक प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है ना, वैसे ही हर यूनिवर्सल गवर्नमेंट के पीछे एक गॉड होता है। मेरे को पता नहीं वो गॉड कौन है, लेकिन कोई तो होता है। प्राइम मिनिस्टर खाली एक कंट्री को कंट्रोल करता है, जबकि यूनिवर्सल गवर्नमेंट या फिर गॉड जो है वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। अगर तुम भारत सरकार का नियम तोड़ते हो ना, तुमको जेल होगा। अगर तुम भगवान का नियम को तोड़ते हो, तब तुम नर्क जाओगे, ठीक है ना। अगर तुम भारत सरकार का नियम का पालन करते हो, खुशी से जीते हो, तुमको कभी जेल नहीं होगा। तुम भगवान के नियमों का पालन करो, तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति सब आएंगी। ठीक है,
इसके बारे में मैं अगले क्लास डिस्कस करूंगा। मत परंतर नान्या किंचित अस्ति नान्या, दिस इज द वर्स ऑफ भगवत गीता एक्चुअली, ठीक है ना। ओ अर्जुन एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, भगवान खुद बोल रहे हैं एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज द पर्ल्स आर स्टंग ऑन अ नेकलेस, ठीक है। और अब आते हैं हमारा प्राइम ड्यूटी। अरे बेशरम लोग, अगर इतना पढ़े, इतना सीखे, इतना समझे ना, तो कम से कम इतना कोशिश करो कि अपना इंटेलिजेंस को यूज करके भगवान के बारे में, भगवान का इतना जो क्रिएशन वगैरह इसको अप्रिशिएट करो। नहीं कर सकते अप्रिशिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम अपमान तो मत करो, ठीक है ना। अगर भेजा है और तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस का इस्तेमाल करो ना, ठीक है, भगवान का क्रिएशन को ग्लोरीफाई करने के लिए। दुनिया को जागृत बनाओ। जो CBSE ICSE बुक्स में है वो तुम्हें एक इंसान नहीं बनाएगा, ठीक है ना। इंसान बनाने के लिए कैरेक्टर का आवश्यकता है, ठीक है ना। और वो कैरेक्टर स्पिरिचुअल बुक्स के अंदर है। जो मनुष्य स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता है, कैरेक्टर फॉर्मेशन उसका होता है, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तुम्हारा कैरेक्टर फॉर्मेशन कभी नहीं होता। व्हाट मैटर्स टू गॉड द मोस्ट इज योर कैरेक्टर। एक बार मैं व्हाट्सएप में स्टेटस डाला होगा, तुम्हें याद है, याद होगा शायद, व्हाट्सएप में मैंने स्टेटस डाला था कि मेरा एक दोस्त है जिसको फेसबुक में एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है फेसबुक, जो उसको 40 लाख का पैकेज दे रहा था। और उसने फेसबुक के इंटरव्यू में जब वो गया था तो फेसबुक ने उससे पूछा था कि ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास कि हम तुम्हें कंसिडर करें। और उस बेशरम ने रिप्लाई किया था कि मैं आलू को परफेक्ट क्यूब्स में काट लेता हूं। और फिर मैंने स्टेटस में क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो आलू को परफेक्ट क्यूब्स में काट लेगा तो क्या लगता है तुमको कि फेसबुक उसे हायर करेगा या नहीं हायर करेगा। बहुत लोग मुझे आंसर दिए थे, किसी ने बोला था यस हायर करेगा, किसी ने बोला था नो हायर नहीं करेगा, ठीक है ना। सो व्हाट एवर आंसर वॉज देयर, बट द पॉइंट देयर वॉज कि यार आलू को परफेक्ट क्यूब से काटना है, अगर तुम परफेक्टली क्यूब्स में काट पा रहे हो तो यू आर गुड फॉर विच जॉब, बावर्ची जॉब, नॉट फॉर फेसबुक, राइट, ठीक है ना। उसी तरीके से तुम चाहे जितना भी इंटेलिजेंट बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, भगवान के, ओहो प्राइम मिनिस्टर आया, आइए जी आइए, भगवान के नजरों में तुम एक हो, ठीक है ना। हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, हर जानवर के अंदर आत्मा है, ठीक है ना। और भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ठीक है ना। मनुष्य के साथ जैसा भगवान का व्यवहार है, उस जानवर के साथ भी भगवान का व्यवहार वैसा ही है। क्यों? क्योंकि बस शरीर अलग है। जस्ट योगेश सर अगर फुल शर्ट पहनेंगे और हाफ शर्ट पहनेंगे तो तुम क्या बिहेव करना बदल दोगे योगेश सर? योगेश सर अगर फुल शर्ट पहने तो अच्छे से बिहेव करेंगे, योगेश सर हाफ शर्ट पहने तो अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। नो यार, कपड़े बदलने से थोड़ी बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है ना। वैसे ही एक आत्मा को अगर अलग अलग शरीर मिला है, ठीक है ना, चाहे जो भी शरीर हो, और इस शरीर में भी कोई गरीब है और कोई अमीर है, वो उनके कर्मों का फल है, ठीक है ना। भगवान कर्मों के फल में कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कभी इंटरफियर नहीं करते हैं। बट एट द सेम टाइम तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें भी जो है प्राइम मिनिस्टर को भी भगवान उतना इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं प्राइम मिनिस्टर उसको बड़ा इंपॉर्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। नॉर्मल इंसान है तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो उस भगवान के बारे में अगर कर सकते हो कुछ तो ग्लोरीफाई करो। सर आप इतना बोल रहे हैं भगवान 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 भगवान, पक गए हम लोग सुन के, ठीक है ना। और एक चीज भी रह गया, इसे भी सुन लो। नहीं सर नहीं सुनना आज, अरे रुक सुन ले सुन ले। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ गॉड्स क्रिएशन। नो सर नॉट इंटरेस्टेड, आप तब से भगवान 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 बोले जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता आप क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आपके बात को मानने को भी तैयार हूं, आप मुझे भगवान दिखा दीजिए। क्या बोला? भगवान देखना है? हाँ मुझे भगवान दिखाइए, जब आप भगवान दिखाएंगे तब मैं मानूंगा कि भगवान है। ये सबसे मैं लॉजिकली एग्री कर जाता हूं कि यस गॉड एग्जिस्ट, देन नाउ शो मी गॉड। इफ यू वांट टू सी गॉड यू नीड टू राइज अबव द फोर डिफेक्ट्स, ठीक है ना। इफ यू वांट टू सी गॉड यू नीड टू कम फॉर द नेक्स्ट सेशन, ठीक है ना। दिस वॉज द फर्स्ट सेशन एंड द सेकेंड सेशन इज गेटिंग द आईज टू सी गॉड। भगवान देखना है अगले सेशन में आना। एक्सेस द ट्रुथ बियॉन्ड फोर डिफेक्ट्स एंड टर्न। कोई सवाल जवाब के लिए आज मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मेरा क्लास है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसमें जो भी क्रेडिट है वो राधेश्याम प्रभु का है। हु इज राधेश्याम प्रभु? कहाँ है राधेश्याम प्रभु? राधेश्याम प्रभु, अरे अरे ये सब अगले बार। राधेश्याम प्रभु का फोटो नहीं है। आई विल शो यू हु इज राधेश्याम प्रभु। उन्होंने ये डिजाइन किया था। ही इज दैट पर्सन, ठीक है ना। बगल में एक फोटो दिख रहा है ना तुम्हें, ही इज मिस्टर राधेश्याम प्रभु। इन्होंने ये सब, ये जितना भी प्रेजेंटेशन है, ऐसे 6 सेशन थे,
पहला सेशन में तुमको लॉजिकली साइंटिफिकली समझ में आया कि गॉड के एग्जिस्टेंस शायद पॉसिबल है, और दूसरा सेशन में जो है हमें देखने को मिलेगा कि भगवान दिख जाएंगे, टैंटन है, ठीक है ना। यू नीड टू राइज अबव द फोर लेवल्स, फोर स्टेजेस, ठीक है ना, एक्सेस द ट्रुथ बियॉन्ड फोर डिफेक्ट्स। तो उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे हम, ठीक है। ये सारे प्रेजेंटेशन के लिए हम राधे श्याम प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे, उसके बदौलत आप ये सब चीज सीख पा रहे हो, मेरे बदौलत नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर में जो है कोई चिट्ठी पहुंचाता है तो तुम थैंक यू उस पोस्टमैन को नहीं बोलते, थैंक यू तुम बोलते हो उस पर्सन को जिसने चिट्ठी लिखा। मनी ऑर्डर भेजता है कोई तुम्हारे, अगर फोन में मनी ऑर्डर, तुम्हारे फोन में गूगल पे चलता है ना, गूगल पे में पैसा आता है, तो तुम गूगल पे कंपनी, गूगल कंपनी को नहीं बोलते हो थैंक यू, तुम उसको थैंक यू बोलते हो जिन्होंने पैसा भेजा है, ठीक है ना। वैसे ही मैं एक निमित्त मात्र हूँ, जिन्होंने ये सब तुम्हें सिखाया है वो है राधे श्याम प्रभु। मैं कौन हूँ, मैं बस तुम्हारे सामने डिलीवर किए ये कंटेंट को। पोस्टमैन को कभी क्रेडिट नहीं मिलता है, जो मनी ऑर्डर में पैसा डालता है उसे क्रेडिट मिलता है। सो इफ यू आर एक्चुअली थैंकफुल, अगर आप हो तो, पता नहीं आप हो कि नहीं, इफ यू आर एक्चुअली थैंकफुल फॉर ऑल दिस कंटेंट टू मेक यू बिलीव इन द राइट थिंग, यू मस्ट बी थैंकफुल टू दिस पर्सनैलिटी, नॉट मी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।